सेवन में हमें एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। चलिए तो देखो ना, आप पहले इसमें प्रोडक्ट करोगे और बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स दिया है ना जी। चलिए इसको बनाते हैं, मैं इसको पहले लिख देता हूँ 1 2 1। ये एक मैट्रिक्स दिया है, रॉ मैट्रिक्स को रहने देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रॉ में कॉलम से ऐसे करेंगे ना। चलिए गुना करते हैं सीधे, क्वेश्चन को लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर तो दिया ही। पहले रॉ में पहले कॉलम से तो क्या आएगा आपका, 0 प्लस 4 और प्लस में 0। दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो 0 प्लस 0 प्लस x। तीसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2x बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स। अब देखो या इसे पहले लिख लेते हैं 1 2 1, इसे भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, 4x और यहाँ 2x बराबर में जीरो मैट्रिक्स। तो इस जीरो मैट्रिक्स को मैं लिख दूं क्या, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को मैं जीरो ऐसे भी लिख सकता हूँ या जीरो ही रहने दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पहले रो में पहले कॉलम से तो 4 प्लस 2x प्लस 2x यही आएगा। तो ये एक 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे भी मैं एक 1 by 1 ऑर्डर का ही जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ से यह कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4 और बराबर में 0। संगत तो ये बराबर कर लिए, ये जाके उधर माइनस का और ये जाएगा भाग में, तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन